फसल खराबे की गिरदावरी करवा कर बीमा राशि दिलवाने की मांग को लेकर सौंपा किसानों ने ज्ञापन। भारतीय किसान संघ के बैनर तले जीवाना उप तहसीलदार फतेह सिंह को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर बेमौसम बारिश से फसल खराबे की गिरदावरी करवा कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खराबे की उचित राशि दिलवाने की मांग की है। किसानों ने बताया कि वर्षा का अभाव व बाद में अतिवृष्टि से किसानों के धान की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि बीमा कंपनी की लापरवाही से रबी फसल में भी महज 20% लोगों को ही खराबे का मुआवजा बीमा मिला है, जबकि 70% किसानों की फसल खराब हो गई थी। उन्होंने गिरदावरी में लापरवाही करने का आरोप भी लगाया। किसान बोले कि पटवारी खेतों में बिना पहुँचे ही एक जगह बैठकर गिरदावरी कर देते हैं, जिससे किसानों के वास्तविक खराबे व बुवाई का सही आंकलन नहीं होने से किसान बीमे से वंचित रह जाता है। इस दौरान किसान नेमाराम, रामाराम आलवाड़ा, गोदूराम, सुजाराम, शेराराम, हिमताराम, जोईताराम, दुर्गाराम, सांवलाराम, मोनाराम, गोमाराम, सैन सिंह, जेठाराम, कोजाराम, पूनमाराम, सोनाराम सहित कई किसान मौजूद थे। हमारे इस वर्ष की मतलब बरसात थी वो एक बार हुई थी और कम बरसात होने के कारण फसल मतलब जल गई थी। फसल खराब है के कारण हमने ये ज्ञापन दिया है, हमको फसल खराब है का मुआवजा मिले और बीमा मिले और गिरदावरी करवा कर हमको काश्तकारों को मुआवजा दिलवा में। और 2022 का रबी का जो बीमा था वो सिर्फ 20% मिला है, 80% बीमा है वो बाकी है, उनका आया नहीं आज तक। उनका अतिशीघ्र जांच करके काश्तकारों को दिलाने की कृपा करावें, ये मांग है हमारी काश्तकारों की, किसान संघ की तरफ से। आज सब भारतीय किसान संघ जीवाणा के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के फसल खराब हो गई है। अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, उससे भी काफ़ी खराब हुई और पहले बारिश नहीं हुई, तो इसके लिए हमने तहसीलदार साहब से, राज्यपाल साहब के नाम से ज्ञापन दे करके निवेदन किया है कि गिरदावरी करवा करके किसानों को फायदा दिलवाएं। इसके अलावा 2022 का बीमा क्लेम भी किसानों को 20% ही मिला है, किसी को 2000, किसी को 4000, इस प्रकार से ही बीमा आया है, तो पूरा 100% बीमा दिलवाने के लिए राज्यपाल साहब को लिखा गया है।